कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। वहाँ पर भी महाप्रभु इमली वृक्ष को नीचे बैठे और महाप्रभु यहाँ भी जब आए उन्होंने इसी इमली वृक्ष को नीचे बैठे। बोले उन्होंने ये इमली वृक्ष को नीचे क्यों बैठे, कारण क्या है? बोले कारण है वृंदावन में जो इमली वृक्ष है ना उसका ये महत्व है। बोले जिस समय कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया पूरा ब्रज में हल्ला हो गया। कृष्ण 7 साल का बालक, 7 क्रोस गिरिराज और 7 दिन तक कहाँ पर उठाया, कनिष्ठ अंगुली में उन्होंने गिरिराज उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज की, अभी ब्रज में ये हल्ला हो गया, ब्रज में ये हल्ला हो गया। ब्रज का जो राजा है ना कौन है, श्री कृष्णचंद्र है। अभी ये आवाज कहते ये सारा संवाद पूरा ब्रजमंडल में चली गई। अभी राधा रानी तो मान कर ली और कौर्णवासी के पास में गई। बोले कौर्णवासी में क्या सुन रहे हो? बोले क्या सुन रहे हो? बोले सारा दुनिया कृष्ण की जय जयकार है। बोले ब्रज का राजा तो कृष्ण है लेकिन सारा दुनिया क्या कहते, राधा रानी, कोई नहीं कहते कृष्ण राजा, कोई बोलते है क्या? नहीं, राधा रानी है। इसलिए दुनिया कहते मैं राधा रानी हूँ, कृष्ण को कोई कृष्ण राजा कोई नहीं बोलते है। अरे वृंदावन ने स्वरी राधा रानी, सारा दुनिया जानते राधा रानी मैं हूँ रानी, कृष्ण कैसे राजा हो गए? हमारे पौर्णवासी बोले सही तो बोल रहे हो। तो सही नहीं, इतने में क्या हुआ, राधा रानी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, हम तो कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर लेंगे। इतने में राधा रानी को सिंहासन में बैठा दिया। बैठा करके जितने सब सखियां थी ना सबके सब कृष्ण के ऊपर में आक्रमण कर ली और आक्रमण करके सारे सखाओं को और कृष्ण को भी उन्होंने बंदी बनाया। कैसे बंदी बनाया, भगवान को थोड़ी कोई बंदी बना सकते हैं। विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है जिनकी एक इशारा पर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए उनको थोड़ी कोई बांध सकते हैं। लेकिन उनका जो प्रेम में, इसलिए कहते हैं ना भक्त वत्सल, भगवान के बोले प्रेम के ही बसीभूत हो सकते हैं। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सजाए, भगवान प्रेम से ही बसीभूत होते हैं। इतने में श्री श्याम सुंदर को उन्होंने ब्रज गोपियों ने फूलों की माला से उनको हाथ में बंदी बनाई और बंदी बना करके राधा रानी के पास में ले आए और राधा रानी रानी बन करके सिंहासन में बैठी हुई थी। जब राधा रानी कृष्ण को देखकर बंदी बना करके ले आए इतने में राधा रानी सिंहासन से उतर गई और वहां पर राधा कृष्ण दोनों बैठे और उसी इमली वृक्षों के नीचे क्या हुआ, जितने कृष्ण स्वयं अपना हाथों से श्री राधा रानी को उन्होंने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करते हुए संपूर्ण ब्रज मंडल में उन्होंने घोषणा किया है आज से ब्रज की रानी कौन है, श्री राधा रानी और श्री वृंदावन सॉरी है। इसलिए वृंदावन में जाओ ना, इसलिए कोई कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने राधा रानी को उन्होंने राज रानी रूप में उन्होंने स्थापन किया था जिसमें राधा रानी की महिमा प्रकाश हुई थी। इसलिए श्याम सुंदर ने उसी वृक्ष को नीचे बैठ करके क्या हुआ कहते वहीं पर उन्होंने राधा रानी की जब रास मंडल से कृष्ण जब अंतर ध्यान होकर के आए और उसी इमली वृक्ष को नीचे कृष्ण बैठे और बैठ करके राधा रानी की चिंता करते 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 कहते उन्होंने पूरा उन्होंने गौर रंग धारण कर लिया, राधा रानी के रंग धारण कर लिया। जब राधा रानी सखियों के साथ में वहीं पर आए बोले तो देखने में कन्हैया जैसे लग रहे हैं क्योंकि पीताम्बर भी है, मयूर मुकुट भी है, बंसुरी भी है, लेकिन इनका रंग क्यों बदला हुआ? राधा रानी समझ गई कृष्ण चंद्र राधा चिंता निवेशन जैसे कांतर विवस्थिता, मेरी चिंता करते 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 श्याम सुंदर ने मेरे रूप धारण किया है। राधा रानी समझ गई। अब राधा रानी आकर उन्होंने श्याम सुंदर को स्पर्श किया, स्पर्श करते हुए उनका जो रंग था ना कलर को उन्होंने श्री राधा रानी जब ले लिया इतने में कृष्ण की चेतावनी आई। जब चेतावनी आई कृष्ण समझ गए यद्यपि मैं रस स्वरूप हूँ, अखिल रसामृत मूर्ति रस स्वरूप मैं हूँ, विश्व ब्रह्मांड मेरे से आनंद को लेकर के आनंदित होते हैं,
लेकिन जब आज श्री राधा रानी के चिंता में मैं डूब गया आज मेरे को एक नई आनंद की प्राप्ति हुई जो आनंद मैं कभी मैंने जीवन में प्राप्त नहीं की। तब उनने समझ गए राधा रानी की प्रेम में कुछ शक्ति है, इसलिए उनने उसी समय में स्थिर कर लिया मैं कलि युग में श्री राधा रानी की भाव अंगकांत लेकर के श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में श्री नवद्वीप धाम में प्रकट लूंगा। और जैसे श्रीमती राधा रानी मेरे प्रेम में दीवानी बनी रहती है, मैं भी ऐसे ही, क्योंकि मुझे जो आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना श्री राधा रानी को आनंद मिलता है। उसी समय में संकल्प उन्होंने ले लिया था और संकल्प लेकर के उन्होंने कल युग में श्री नवद्वीप धाम में कल हम लोग जाएंगे, वही पर श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आए। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब उन्होंने गंगा पार किया ना, इसी इमली वृक्ष में वृंदावन में भी इमली वृक्ष को नीचे बैठे और इसी इमली वृक्ष में भी महाप्रभु यहीं पर आकर के विश्राम किया। इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आए, अभी हम लोग जाएंगे जो मेन मंदिर है श्री गौरीदास जी का मंदिर है, अभी वहाँ पर जाएंगे कीर्तन और कथा सुनेंगे महाराज जी वहाँ पर कुछ कथा सुने, ठीक है। मंदिर बंद नहीं हो गया, चलो हर की शक्ति, चलो अब हम लोग को पीछे पीछे आप लोग आना, कोई खोना नहीं, इधर उधर नहीं जाना।